बड़नगर तहसील में गांव ऐसा भी जहां मध्य प्रदेश शासन की 24 घंटे बिजली योजना नहीं मिल रही। ग्रामीणों को ग्राम धरन खेड़ी के ग्रामीण कर रहे संघर्ष, नहीं सुन रहा कोई भी अधिकारी व जनप्रतिनिधि। ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। बड़नगर तहसील ग्राम धरन खेड़ी में ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है और शासन की इतनी बड़ी योजना से ग्रामीण वंचित है, जबकि ग्रामीणों द्वारा बिल भी भरा जाता है। कई बार जनप्रतिनिधि व अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी कराया जाता है, लेकिन ग्रामीणों की कोई नहीं सुन रहा है। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि उनके पैसों की मांग अधिकारियों द्वारा की जा रही है और जनप्रतिनिधियों के भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों की गलती सिर्फ यह है कि उन्होंने गांव के बाहर प्रधानमंत्री सड़क के किनारे अपने मकान बनाए हैं, जिस पर करीब 20 वर्ष से वहां पर निवास कर रहे हैं। 40 से 50 लोगों का परिवार या निवास करता है और बिजली का बिल भी ग्रामीण भर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह 24 घंटे बिजली के लिए तरस रहे हैं और बारिश में ग्रामीण को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खेत वाली लाइट से ग्रामीणों को 2-3 घंटे के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन ग्रामीण जन के बच्चे बिजली नहीं रहने से पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते। साथ ही ग्रामीण कई कार्य बिजली नहीं करने के कारण नहीं कर पाते। एक तरफ तो मध्य प्रदेश शासन 24 घंटे हर गांव में बिजली देने की बात कर रही है, वहीं इस गांव में जब बिजली 24 घंटे देने की बात अधिकारियों से ग्रामीणों ने की तो अधिकारियों का कहना था, आप अपने स्वयं के खर्चे से यहां पर ट्रांसफार्मर लगवाएं, क्योंकि शासन की कोई ऐसी योजना नहीं है जिस पर आपको ट्रांसफार्मर लगाकर 24 घंटे की बिजली उपलब्ध कराई जा सके। बड़नगर नगर से राधेश्याम सावरा की रिपोर्ट। बिजली की समस्या है कि लाइट नहीं मिलती है। अच्छा, 24 घंटे की लाइट नहीं मिलती है, परेशानी है। अच्छा, किसी अधिकारी से आपने अवगत कराया किसी को? अधिकारी को बोला के? क्या बोल रहे हैं? क्या तो बोल रहे हैं, तो पैसे मांगते हैं। कितने पैसे मांगते हैं? 1,00,000 रुपया, 80,000, 90,000। अच्छा। 1,10,000। अच्छा अच्छा, सब हाँ। अलग अलग पैसे बता हाँ। रहे हैं। कोई नेता से आपने बताया किसी नेता को? नेता को भी गए साल मुरली जी को भी हाँ। बताया था हाँ। तो क्या कहा? मुरली जी ने भी करवा देंगे, तो कोई सुनवाई नहीं करी। लाइट नहीं मिलती है, यहाँ लाइट नहीं है गाँव में। शिकायत करी एमपीपी अधिकारी को? आवेदन दिया? कोई भी नहीं हुने हमारी। कहीं नेता ऐता को कहीं किसी हाँ, को बोला? नेता को बोला तो वे पैसा मांगे हमारे से। पैसा मांग हाँ। पैसे मांगते है कौन? हाँ। अधिकारी? हाँ, अधिकारी। अच्छा, कितने पैसे मांगते? 1,00,000 रुपये। अच्छा, आपका नाम क्या है? पैसा हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, मतलब लाइट की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ जो भी नेता आते हैं वो वादा करके चले जाते हैं, इसके बाद आज दिन तक सुधार नहीं हुआ। एमपीपी में शिकायत की कि दो दो तीन तीन बार शिकायत कर रही है। भैया आते हैं तो 1,00,000 रुपये मांगते हैं वो, इसके बाद में कनेक्शन के पैसे अलग है, तो सुविधा तो होनी चाहिए कुछ भी, इसके बाद में पैसे भी भरेंगे। आपको 24 घंटे की लाइट नहीं मिल रही? नहीं मिल रही बाबू जी। आप बिल भर रहे हो? बिल भर रहे हैं सब, इसके बाद भी लाइट नहीं मिली अभी तक। आपको आपका एमपीपी वाले क्या कहते हैं? एमपीपी वाले बस पैसे मांगते हैं, सब जो आता है वो पैसे मांगते हैं। कई नेता कई बार आए, सब आए और वादा करके चले गए, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं करा। कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? कम से कम 40 से 50। क्या नाम है आपका? ईश्वर परमार। ये जो वक्ता बता रहे हैं आप, ये धरन खड़ी और मेन रोड के बीच में एक खेत पे बने हुए मकान है, गांव के सीमा से बहुत दूर है। इन लोगों को सिंचाई लाइन से जो उपलब्ध लाइन है उनसे कनेक्शन है, परंतु ये 24 घंटे वाली लाइन से कनेक्शन कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो इनको पर्सनल ट्रांसफार्मर लगाना होगा। पर्सनल ट्रांसफार्मर सुपरविजन में बनेगा, 5% सुपरविजन में अपने ट्रांसफार्मर लगवा लेंगे, तो उनमें आसपास जो 2-4 कनेक्शन हैं खेत जो रह रहे हैं उनकी व्यवस्था की जा सकती है। शासन द्वारा 8-10 घर के कनेक्शन नहीं लगाए जाते क्या? डी ट्रांसफार्मर नहीं लगाए? खेतों ग्रामीण गाँव की सीमा से हट के जो खेत में बने मकान उनके लिए सरकारी व्यवस्था नहीं। ग्राम आबादी में नहीं है वो? ग्राम आबादी से बहुत दूर है, 2 किलोमीटर।